मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण और इस पंचायत में उपस्थित बाड़मेर और जैसलमेर के गांवों से आए हुए भाइयों और बहनों, यहां पर मैं देख रहा हूं कि पंचायत आप किसी भी कोने में देखिए कि बहुत बड़ी संख्या में लगभग सभी लोग पगड़ी पहने हुए हैं। मैं आश्वस्त हूं कि सभी लोग पगड़ी पहने हुए समाज के लोग और किसान जब तक अपने सिर पर पगड़ी पहने हुए हैं तो इस देश के आजादी के लिए कोई खतरा नहीं है। समय की भी सीमा है मैं जानता हूं, लेकिन यह पंचायत है, पंचायत में लोग सुनने के लिए आना है, बोलने के लिए नहीं है। दिल्ली से आया और दिल्ली वापस चलना है, इसलिए सुनने के लिए समय कम है और बोलने के लिए समय कम नहीं है, ये नहीं हो सकता। देश के सरहद पर, रेगिस्तान के इस जमीन पर, इस धरती पर हजारों सालों से जो लड़ाई लड़ने वाले किसान इस देश के आजादी के लिए युद्ध के समय भी लड़ते हैं और शांति के समय भी लड़ते हैं। युद्ध के समय युद्ध के मैदान में तलवार लेकर लड़ते हैं और शांति के समय में खेत में, खलियानों में देश के लिए अनाज पैदा करने के लिए लड़ते हैं। ऐसे किसानों के इस महापंचायत में आपको मैं याद दिलाऊं कि इस जमीन के साथ मेरा संबंध बहुत पुराना है। कई लोग जानते हैं लेकिन कई लोग नहीं जानते हैं। इस बाड़मेर में और जैसलमेर में मेरा पहली बार जब आना हुआ तो 1987 में मैं आया था, यहां छात्र नेता के नाते मैं यहां पर आया था। और मैं जब छात्र नेता के नाते आया था तो मेरा नाम मुरलीधर राव नहीं था। बहुत सारे लोग जानते हैं, यहां पर कई लोग हैं, मेरा नाम उस समय कृष्ण कुमार था। तो ये कृष्ण कुमार जो है अभी नाम बदलकर मुरलीधर राव पर बन करके आ गया यहां पर। काम भी नहीं बदला, भले नाम बदला हो तो अर्थ भी नहीं बदला, वीरेंद्र जी कह रहे हैं। मुझे आंध्र उस समय छोड़ना था, और उस समय नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ाई में गोली लगी थी तो लोगों ने सोचा कि चला एक बार आप नाम बदल करके दूसरी जगह काम करो, काम यही करना है, तो मैं यहां पर आया। मैं जानता हूं यहां के लोगों को उस समय से, कई गांवों में मेरा जाना हुआ। उस समय विश्वविद्यालय में पढ़ने वालों के लिए, विद्यार्थियों के साथ मेरा संबंध बाड़मेर और जैसलमेर के लोग जो जोधपुर में पढ़ते थे उनसे भी मेरा संबंध रहा। '87 में मैं आया था तो जोधपुर विश्वविद्यालय उस समय था, प्रस्तापित विश्वविद्यालय, बड़े नामी विश्वविद्यालय, ज्यादा बड़ा है, आज अखबार में भी आया है, आम आदमी भी जानता है। लेकिन हमारा अशोक गहलोत जानता नहीं है कि ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है,
इतने साल हो गया सरकार चलाते चलाते, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता। महाशक्ति बन रहे हम भारत, महान शक्ति, महान देश, अमेरिका के मुकाबले में, रूस के मुकाबले में, जर्मनी के मुकाबले में, बड़ा महाशक्ति के नाते स्थापित हो रहा है, बड़ी आर्थिक प्रगति हो रही है। उस समय बाड़मेर पहुंचने के लिए आदमी को बड़ा दिन भर प्रवास करना पड़ता था, आज दो ढाई घंटे में पहुंच जाता है। रफ्तार, गाड़ी की रफ्तार बढ़ गई है, 120 किलोमीटर 140 किलोमीटर की रफ्तार से दिल्ली से आकर वापस दिल्ली जा सकता है। आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं, लेकिन देश के अंदर इस क्षेत्रफल में रहने वाले उनके शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोलने के लिए सरकार के पास संकल्प नहीं। दिल्ली में विश्वविद्यालय बढ़ रहा है, बेंगलुरु में विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, हैदराबाद में विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, शहरों में विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे गांव में, मेरे जिले में विश्वविद्यालय नहीं बढ़ रहे हैं। रेगिस्तान के इस धरती पर विश्वविद्यालय नहीं बढ़ रहा। मैं समझता हूं कि ये पंचायत में बहुत लोगों ने बोला है, हमारे देश की जो बजट है अभी 2 लाख 2.5 लाख करोड़ से बढ़ते हुए 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया। बजट का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस बजट में मैं देखता हूं 15 वर्ष हो गया, 20 वर्ष हो गया, 25 वर्ष हो गया, इतने बड़ा क्षेत्रफल 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर, कोई बड़ा अस्पताल, मैं देख के बड़ा दंग रह गया। क्या मांग है? 1000 बेड की अस्पताल की मांग करना बड़ा किसान महापंचायत की मुद्दा बन गया? क्या कर रहे हैं दल, क्या राजनीति हो रही है? अगर राजनीति जनता के लिए होती तो अस्पताल इतने सालों के बाद मांगना, इतने बड़े आबादी वाला क्षेत्र, सरहद पर गोली के पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने वाले आबादी यहां पर है, और इतने मेहनत करने वाले किसानों की संख्या यहां पर है, कोई बड़े अस्पताल नहीं है, ये नहीं चल सकता, और इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर देश हमारी है तो सरकार हमारे लिए चलना चाहिए। मैच फिक्सिंग नहीं चलेगा। मैं कई जगह जा रहा हूं, कई गांव में जाता हूं, किसी भी जगह किसान महापंचायत, पंचायत बड़े हजारों की संख्या में पार्टी से ऊपर उठकर मैं देखता हूं कि क्या मांग कर रहे हैं। अच्छे बीज चाहिए, समय पर चाहिए, सस्ते दामों पर चाहिए, बिजली चाहिए, हमारे खेतों के लिए बिजली, पानी देने के लिए बिजली चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, अनाज रखने के लिए गोदाम चाहिए। विश्व के किसी भी पंचायत से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मांग अन्याय पूर्ण है या कोई मांगना गलत है? बीज मांगना, खाद मांगना, पानी मांगना, बिजली मांगना, और उसके ऊपर गोली चलाई जाती है। अंग्रेजी शासन में भी बीज मांगने पर, खाद मांगने पर गोली नहीं चलाई गई थी। देश की सरकार अपने लोगों पर गोली चला रही है।
वीरेंद्र जी ने अभी बताया सांसद में, संसद में कहता है कि कितने आंकड़े बताओ कि आत्महत्याएं कितने कर चुके हैं। हमारे कृषि मंत्री हैं कि वो आंकड़े बताते हैं कि जैसे चेक लिखते हो तो 50,000 मात्र, ओनली 50,000, 25 लाख भी लिखो तो ओनली 25 लाख, ऐसे रकम के सामने ओनली लिखा जाता है। हमारे कृषि मंत्री की आत्महत्या की हिसाब बताता है कि ओनली 3,25,000, इसका मतलब है कि अभी बाकी है। ये सरकार हमारा नहीं हो सकता। जो कृषि मंत्री किसानों की आत्महत्या पर ओनली लिखता है वो किसान के लिए हितैषी नहीं हो सकता, वो हमारे मंत्री नहीं हो सकता। ये नहीं चलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश के किसानों की बात करना देश की आजादी की बात करना है। किसान इस देश में कोई 2 लाख नहीं है, 2 करोड़ नहीं है। देश के 60% आबादी आज भी किसान है और खेती पर निर्भर है। अमेरिका में किसान नहीं है, अमेरिका की आबादी में 2% से ज्यादा नहीं है किसान। फ्रांस में 6% से ज्यादा नहीं है आबादी। पूरे विश्व की आबादी एक तरफ किसान, भारत के किसान एक तरफ है, इतनी बड़ी आबादी किसानों की है। इस देश में से किसान निकाले तो फिर भारत बचेगा ही नहीं, भारत ही नहीं है। इसलिए इस देश में किसानों की बात करना देश की आजादी की बात करना है, देश के प्रभुसत्ता की बात करना है। बड़ा आश्चर्य होता है कांग्रेस की शासन, जिस कांग्रेस के बारे में हमारे वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस को फैलाया, बड़े पार्टी बड़ा पार्टी बनाया, किसानों के आंदोलन को छेड़ते हुए चलाते हुए गांव गांव में कांग्रेस को फैलाया। कांग्रेस यानी किसानों की पार्टी। अब आजाद भारत में कांग्रेस वालों की रैलियां निकाल रही हैं कि वो दिल्ली में अभी रैली निकाले हैं। आप जानते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस ने अभी रैली निकाली? हो सकता है कि बाड़मेर से भी कुछ लोग गए होंगे। उन्होंने पोस्टर चिपकाया, अब सभी गांव में पोस्टर चिपकाया कि चलो दिल्ली। आजादी से पहले कांग्रेस की लड़ाई में नमक बनाने के लिए चलो कहते थे, चरखा चलाने के लिए चलो कहते थे। रामलीला मैदान दिल्ली में आजाद भारत को लाने के लिए चलो कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मुझे खून दो मैं स्वतंत्रता दूंगा, आजादी दूंगा, ये कहते थे। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस हमारी है। अभी चलो रामलीला, चलो दिल्ली उन्होंने कहा तो काय के लिए? लाओ वॉलमार्ट को लाने के लिए चलो। वॉलमार्ट है अमेरिका की कंपनी। कांग्रेस पहले अंग्रेजी भारत छोड़ो ये इसके लिए आंदोलन चलाया था। अब कांग्रेस रामलीला मैदान में रैली करती है, पंचायत करती है कि अंग्रेज वापस आ जाओ, वॉलमार्ट कंपनी वापस आ जाओ। मैंने सोचा कि केवल अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस नहीं बदलेगा, लेकिन अध्यक्ष बदल गया तो कांग्रेस भी बदल गया। अब अंग्रेजी वापस लाओ, वॉलमार्ट को वापस लाओ। प्रधानमंत्री हमारे हैं, सारे मंत्रीगण हमारे हैं, लेकिन अध्यक्ष कांग्रेस का हमारा नहीं है, तो अंग्रेज लोग वापस आ जाओ। अब कांग्रेस की जमाने में अभी एक ही काम हो गया, जो आजादी की लड़ाई हम लड़ी थी उसको फिर समाप्त करना, आजादी को समाप्त करना। कह रहे हैं कि हमारे किसानों के लिए गोदाम चाहिए, वो कहते हैं कि वॉलमार्ट बनाएगा, वॉलमार्ट बनाएगा। और कांग्रेस से हम सरकार से कहते हैं कि
किसानों के लिए लाभकारी मूल्य चाहिए। तो कहते हैं कि वालमार्ट अब आने वाला है कि आपको लाभकारी मूल्य देगी। यानी जो सरकार नहीं कर सकती है वो कंपनी करेगी। ऐसा सरकार हमें नहीं चाहिए। जो सरकार हमारा है वो हमारे लिए काम करना चाहिए। जो सरकार हमारा है वो कंपनी के लिए काम करेगी, वो हमारे लिए नहीं चलेगा, हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। चंद्रमा पर जा रहे हैं, आसमान में जाकर के उपग्रह छोड़ रहे हैं दुनिया की सारी चीज देखने के लिए। भारत के वैज्ञानिक बहुत ऊंचे दर्जे के वैज्ञानिक हैं। मुझे बताइए कि महापंचायत के उस मांग पत्र में लिखा है कि जो आपका चारागाह है या गोचर भूमि है वो दर्ज नहीं है, वो दर्ज करना चाहिए। क्यों नहीं हो सकता? जो चंद्रमा है उसमें आप फोटो ला सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो। जो आसमान में है उपग्रह छोड़कर के दुनिया भर के फोटो खींच सकते हो। आपके पास तकनीक है, आपके पास प्रौद्योगिकी है। हमारे हजारों सालों से जो चारागाह है, जो तालाब है, जो बावड़ी है, वो रिकॉर्ड पर क्यों अंकित नहीं होता है? न्यूयॉर्क में रहने वाला यहां से बात कर सकता है, इंटरनेट पर बात कर सकता है। अभी दूरी खत्म हो गया, अब वो दूर नहीं है। तो इसलिए जैसलमेर के बावड़ी, तालाब, बाड़मेर के तालाब, ये रिकॉर्ड में अंकित करने के लिए आदमी के पास अगर संकल्प हो तो उसको जाने के लिए भी जरूरत नहीं है। ये कोई आज नहीं है, रिकॉर्ड है, 5000 वर्षों से रिकॉर्ड है। कोई तालाब हमें 50 वर्षों पहले नहीं बनाया था। दुनिया में कभी तालाब नहीं देखा था तब हमने तालाब बनाया। दुनिया में कभी बावड़ी नहीं देखी थी तो हमने बावड़ी बनाया। और हजारों वर्षों से उसका संचालन किया, प्रबंधन किया। ये रिकॉर्ड अगर आपके पास संकल्प है तो इसको बनाने में 2 दिन नहीं लगता है। वालमार्ट के लिए आपको कानून बनाने के लिए सरकार के पास मेजॉरिटी है, इसकी चिंता नहीं है। सरकार में गठबंधन में जो दल है उसकी सहमति चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट में आपका विपक्ष पार्टी है कि उसके जो आप रोज आमना सामना करते हो उसके साथ बात करने की जरूरत नहीं समझते हो। आप वालमार्ट के कानून बनाने के लिए सारे अपनों से दुश्मनी लेते हुए कर सकते हो। और अपने किसानों के लिए तालाब के रिकॉर्ड बनाना है तो आपको दिक्कत क्या आ रही है? इसका मतलब है आपके इरादे नेक नहीं है। आपके इरादे नेक नहीं है। स्वदेशी और स्वावलंबन का ये लड़ाई है, ये सच में किसानों की लड़ाई है। और इस देश में किसान स्वावलंबी है तो देश स्वावलंबी है। मैं देखता हूं कि विदेश भर के किसान पंचायत में जाता हूं तो मैं देखता हूं आजकल गांव में किसानों के जो नौजवान है उसको कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर किसान और खेती करता रहेगा तो उसको कोई जवान है तो उसको बेटी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग तो खेती करना चाहते हैं लेकिन बेटी नहीं मिलती है, शादी नहीं होती है, इसलिए शहरों में जाना पड़ता है। जाना पड़ता है बिजली मीटर चालू करने के लिए, स्विच ऑन करने के लिए, दबाने के लिए। पता नहीं चलता कि अंधेरे के रात में अमावस्या के समय, इसलिए लगता है कि यार मेरी बेटी कब विधवा होगी पता नहीं, इसलिए इसको तो शादी में कोई किसान को नहीं देना। किसान नहीं मालूम हो गई है, ये अत्याचार है। किसान इस धरती पर है, मैं सोचता हूँ कि इतना भ्रष्टाचार फैल गया कांग्रेस के शासन में। अब कोई कह रहा कि भाई कांग्रेस को अपनाना मतलब है कि वडेरा को, लुटेरा को अपनाना है, अपना दामन मान लेना है। कहां उत्तर प्रदेश,
शादी हो गई, कहां बिकली बाटी जी, कहां जमीन। अकबर बादशाह, अकबर शहंशाह, ये बिकली पहुंचते पहुंचते पता नहीं कितने साल लग गए, हार करके चला गया, लेकिन वडेरा को लाके कांग्रेस ने बिकली में स्थापित कर दिया। जो काम अकबर नहीं कर पाए वो काम अशोक गहलोत ने करके दिखाया। जितना प्रकृति ने भारत के पास कृषि योग्य जमीन रखा है, उतना जमीन कहीं भी नहीं है। चीन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, तीन फसल करने वाला जमीन कहीं तो है ही नहीं। चौथी फसल भी कर सकते हो कई जगह, गंगा की मैदान, नर्मदा की, गोदावरी, कावेरी की मैदान, इतनी जमीन दुनिया में कहीं भी नहीं है। और ये जमीन अगर खत्म हो गई तो दुनिया के लोग भूखे मरेंगे, उनको अनाज नहीं मिलेगा। इसलिए भारत के खेती भारत के लिए नहीं, विश्व के अनाज की आवश्यकता की आपूर्ति करने के लिए चाहिए। दुबई में रहते हैं, अरब में रहते हैं, इराक में रहते हैं, ये सारे लोगों के लिए अगर अनाज चाहिए, इसलिए खुशहाल खेती, संपन्न किसान और शक्तिमान भारत, ये तीनों के साथ संबंध है। स्वदेशी और स्वावलंबन की लड़ाई ये है। संपूर्ण देश में किसान आज सड़क पर आ रहे हैं, ये दूसरी जंग है, दूसरी आजादी की लड़ाई है। और ये लड़ाई जमीन बचाने के लिए है, ये लड़ाई बीज बचाने के लिए है, ये लड़ाई हमारे आजादी बचाने के लिए लड़ाई है। आप जानते हैं कि मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहां खनन हो रहा है, गैस भी बहुत हो गया, दिल्ली में बिजली, गुड़गांव में बिजली, बेंगलुरु में बिजली, और बहुमंजिली इमारतें 70,000 करोड़, 1,76,000 करोड़ क्या कमाई है। देश के लोगों की, कुछ चंद लोगों की पैसा विश्व के काला बाजार में 25,00,000 करोड़ विदेशी बैंकों में, 30,00,000 करोड़ विदेशी बैंकों में, लूट कर जा रहे हैं, बाहर पैसा रख रहे हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। यहां से गैस ले जाते हैं, बिजली किसी और को देते हैं, यहां के खेत और किसानों के लिए बिजली नहीं, यहां के गांव में बिजली नहीं है, यहां के गांव में विद्यालय नहीं है, ये कैसे चल सकता है, ये कौन सा शासन है। हम कह सकते हैं कि अकाल आ जाए, सारे लोग मर रहे हैं और हम भी मर रहे हैं, ये चल सकता, लेकिन यहां से लूट करके ले जा रहे हैं और दिल्ली को और बड़े बड़े बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में ये लड़ाई को हम लड़ेंगे। और नहीं, डिजर्ट नेशनल पार्क के बारे में तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप जानते हैं, बहुत लोगों ने बोला, बड़ा विचित्र होता है। हम तो पशुओं के साथ रहते हैं, जानवरों के साथ रहते हैं, किसान हजारों सालों से रह रहे हैं, वे भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, कभी मारते हैं तो भी, मारते भी हैं तो भी, हम साथ रहते हैं। लेकिन ये शहर वाले पता नहीं, ये लोग लिखते हैं कि गांव वाले मारते हैं, लेकिन हिसाब तो पता नहीं चलता ऐसा। शहर में जाके जो जो आकर के राजस्थान में किसी ने कुछ चीज मारा है तो वो गांव वालों ने नहीं मारा, वो शहर वालों ने मारा है, मुंबई से आके मार के गया, आप जानते हैं, दिल्ली के लोग भी जानते हैं, लेकिन कलम उसके पास है और कागज उसके पास है, इसीलिए गांव में रहने वाले मारते हैं करके लिखते हैं। और गांव में पंचायत करने वाले लोग बड़ा अनाड़ी है, मध्ययुगीन है, और वो इसको बचाते हैं करके लिखते हैं, ये गलत प्रचार है। मैं गया था आंध्र में, एक जंगल के क्षेत्र में गया था, उन्होंने अभी टाइगर पार्क
घोषित कर दिया। हमारे जो जंगल में रहने वाले लोग उनकी चिंता नहीं है, उनकी चिंता है कि शेर की चिंता, टाइगर की चिंता है। दिल्ली में रहने के बाद आदमी को क्या होता है, बड़ा टाइगर की चिंता होने लगती है, कुत्ते का भी चिंता करने लगते हैं। उनको आदमी की चिंता तो इतने साल हो गए नहीं कर पा रहे। 2.5 लाख लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसकी चिंता नहीं कर पा रहे हैं। और उसको शेर की चिंता हो गया, अब डिजर्ट की चिंता हो गई। स्वदेशी और स्वावलंबन के लोग हमेशा मानते हैं कि देश और समाज अपने धरती पर अपने गांव में बैठ करके वहां विकास की रचना बनाएगी और वहां प्रस्ताव पारित करेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। दिल्ली में बैठकर आप तय करेंगे ये नहीं चलेगा। ये धरोहर को संभाला है तो हजारों वर्षों से हमारे पूर्वजों ने संभाला है और आज हम संभाल रहे हैं और आने वाले दिनों में हमारे वंशज संभालेंगे। ये दिल्ली का टेका नहीं है जैसलमेर और बाड़मेर को संभालने का, जैसलमेर और बाड़मेर को संभालने का टेका यहां के लोगों का है। मैं कहूंगा कि संपूर्ण देश में पशुपालन आज भी अगर जिंदा है तो वो यहां पर है। गाय अधिक संख्या में है तो इसलिए मैं अंत में कहूंगा कि यहां पर अगर सरकार को आने वाले दिनों में अपने राजनीतिक एजेंडा बनाना है तो मानवेंद्र जी ने जो बताया, हर पशु के लिए खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी दीजिए। आदमी की नहीं, केवल जितना अधिकार आदमी को है उतना अधिकार पशु का है। और गाय और पशु के बगैर आप देश के स्वावलंबन की कल्पना करना संभव नहीं है। और इसलिए मैं अंत में एक ही बात कहूंगा कि आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि यहां पर मैं कोई वोट नहीं मांग रहा हूं और ये कोई राजनीति पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं राजनीति की बात जरूर करना चाहता हूं। मैं पार्टी की राजनीति नहीं, देश की राजनीति, किसानों की राजनीति। हमारे किसान नेशनल हाईवे में जो अपना जमीन आ गया बेच दिया, वो सूमो खरीदा और किसान आगे बढ़ गया, इसका कोई मापदंड नहीं हो सकता। जो कोने में बैठा हुआ किसान खेती करते हुए सूमो खरीदेगा, संपन्न बनेगा, वो देश के आर्थिक प्रगति का मापदंड होगा। जमीन बेचने वाला किसान संपन्न होता है, ये कोई मापदंड नहीं हो सकता। जमीन रखने वाला किसान संपन्न बनेगा तो ये मापदंड होगा। देश के राजनीति कोई भी पार्टी इसके लिए है तो राजनीति चलेगी। और लोकतंत्र की गारंटी, प्रभुसत्ता की गारंटी, आजादी की गारंटी देश के किसान की राजनीति और वो एजेंडा बनाना होगा। और आने वाले दिनों में इस एजेंडा पर चलाने के लिए एक किसान पंचायत प्रस्ताव पारित करे। आप सब लोग यहां पर आए, धन्यवाद।